हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ अमर चित्र कथा से, कॉमिक का नाम है टिंकल। टिंकल की कुछ कॉमिक्स मैं डाल चुकी हूँ चैनल पर, जो कि आप लोगों को भी पसंद आती है और मुझे भी टिंकल की कॉमिक्स पसंद आती हैं। और ये कॉमिक मैं बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, जिस वजह से कॉमिक मैं नहीं कर पाती हूँ। वो मैंने आपको कम्युनिटी गाइडलाइन पर बता दिया था। फिलहाल चलिए, आप नहीं करेंगे टाइम को वेस्ट, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है टिंकर लुटेरे और कोतवाल। चलिए देखते हैं इसकी पहली कॉमिक कौन सी है। अरे यही है, लुटेरा और कोतवाल, भारतीय लोक कथा है। शब्द है आदिल रंगून वाला, चित्र है वीबी हलवे के। रमन को नौकरी की जरूरत थी, वह राजा के पास गया। किस तरह की नौकरी चाहते हो तुम? अगर आप मुझे कोतवाल का सहायक बना दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा महाराज। यह सुनकर वहीं खड़े कोतवाल का पारा चढ़ गया। अपने आप को बड़ा तीस मार खां समझते हो, हैं? मुझे किसी सहायक वहायक की जरूरत नहीं, चाहे तुम हो या कोई हो। रमन निराश होकर लौट गया। अगले दिन बाजार में सनसनी फैल गई। अच्छा, दीवार पर कुछ लिखा था, खबरदार, कल्लू लुटेरा शहर में पधार चुका है। यह पढ़ा तुमने? इस लुटेरे की हिम्मत की ताद देनी पड़ेगी, खुलेआम चेतावनी दे रहा है। न जाने अब क्या होगा, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ेगा। शीघ्र ही राजा को दीवार पर लिखे उन शब्दों में मची खलबली की जानकारी मिली। जैसे भी हो, इस बदमाश को फौरन पकड़कर हमारे सामने हाजिर किया जाए। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा महाराज, कोतवाल ने कहा। कोतवाल के आदमी सारे राज्य में फैल गए और गली गली की चौकसी करने लगे। और एक रात, अरे इतनी रात गए, यह औरत कहाँ जा रही है? कौन हो तुम? क्या कल्लू लुटेरों से तुम्हें डर नहीं लगता? लगता तो है, पर क्या करूं, मेरा घरवाला अभी तक काम से वापस नहीं लौटा। अगर मैं उसे खाना न पहुंचाऊं तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। कैसी बात करती हो, तुम क्या समझती हो, क्या तुम्हारा घरवाला आधी रात तक भूखा बैठा रहेगा? उसने जरूर वहीं पर खा लिया होगा। आपकी बात तो ठीक है, पर अब मैं इतने सारे खाने का क्या करूं? आज मैंने अपने घरवाले की मनपसंद चीज बनाई थी। सिपाही जी, आप ही इसे खा लीजिए ना, कल्लू लुटेरे की तलाश में गलियों में भटकते भटकते आपको जरूर भूख लगाई होगी। हाँ, भूख तो सचमुच लगी है। और फिर चप 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 खा लिया। पर जो ही सिपाही ने भोजन समाप्त किया, आहा, नशीली दवा ने अपना असर दिखा ही दिया। अब कपड़े बदल लूं। और कुछ देर बाद, कोतवाल साहब, हमने कल्लू लुटेरे को पकड़ लिया है। सच? शाबाश। मुझे जेल की कोठरी की चाबियां दे दीजिए, ताकि मैं इसे उसमें ठूस दूं। हाँ हाँ, जरूर, मैं कल सुबह महाराज के साथ वहां जाऊंगा। और अगले दिन, महाराज, कल हमने बेहद होशियारी से जाल बिछाया और कल्लू लुटेरे को घर दबोचा। यह हुई ना बात, हम उसे देखना चाहते हैं और जल्दी ही। तो यह है कल्लू, मैं मेरे ख्याल से शायद कुछ गड़बड़ हो गई है महाराज, यह तो हमारा ही एक सिपाही है। तुम्हारा ही सिपाही? यह क्या बेहूदगी है कोतवाल जी। चाहे कल आसमान क्यों ना टूट गिरे, हमें कल्लू चाहिए, समझे? जी जी महाराज। हे भगवान, आखिर मैं इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन गया? आज रात इस लुटेरे की खोज में मैं खुद निकलूंगा। उस रात ज्यों ही कोतवाल अपने घर से बाहर आया, लोगों को इतनी दफा सावधान किया जा चुका है, फिर भी वे मानते ही नहीं। ए बूढ़ी अम्मा, क्या तुमने मेरा हुक्म नहीं सुना? शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। सुना है साहब, पर मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, पर तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। वह कल्लू लुटेरा कहीं भी प्रकट हो सकता है। आज रात तुम मेरे ही घर पर ठहर जाओ, कल सुबह उठकर चली जाना अपने बेटे के पास। अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। सो बुढ़िया को ताले में बंद करके कोतवाल कल्लू की तलाश से शहर के चक्कर लगाने लगा। और घंटों बाद, कमबख्त का नामो निशानी नहीं, अब घर चलूं। अरे बूढ़ी अम्मा, अब तक सोई नहीं? सोती कैसे बेटा, जैसे ही तुम गए वह मुआ कल्लू लुटेरा खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। मुझसे पूछने लगा कि तू कौन है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। जब उसे पता चला कि तुमने मुझे मेरे बेटे के पास जाने से रोका, तो वह आग बबूला हो गया और बोला कि अम्मा, मैं तुझे इसी वक्त तेरे बेटे के पास पहुंचाऊंगा। सो वह तांगा लेने गया है, अभी आता ही होगा।
बहुत खूब, मेरा काम हुआ समझो। बूढ़ी अम्मा, क्यों ना हम दोनों आपस में कपड़े बदल लें, वह समझेगा कि तुम बैठी हो और मैं उसे घर दबोचूंगा, बाद में तुम्हें खूब इनाम मिलेगा। दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए। इधर कोतवाल खिड़की के पास बैठकर कल्लू का इंतजार कर रहा था, उधर बुढ़िया कोतवाल के कपड़े पहनकर बाहर निकल गई। तुम समझ गए ना वह बुढ़िया कौन थी, उसका भेष बदल कर कल्लू खुद आया था। अब सिपाहियों के पास चला जाए। एक खुशखबरी है सिपाहियों, मैंने कल्लू को पकड़ लिया है। वह एक बुढ़िया का भेष धर घर आया था, मैंने उसे अपने घर में कैद कर रखा है। उसे वहां जाकर पकड़ लो और जेल में बंद कर दो जी कोतवाल साहब। और जल्दी ही, आहा वह रहा, देखो तो बुढ़िया के भेष में कैसी गठरी बना बैठा है, बड़ा कमबख्त है भैया। चलो पीछे से चुपचाप जाकर उसे सुन्न कर देते हैं। और फिर था चटाक डंडा लगा। सुबह होने पर महल में महाराज खबर मिली कल्लू जेल में पहुंच चुका है। वाह सुबह सुबह खुशखबरी सुनाई तुमने, चलो जरा हम भी तो देखें। जब राजा ने जेल में कोठरी में कोतवाल को बैठे पाया, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ। अरे कोतवाल जी, आप यहाँ? मुझे मेरे ही सिपाहियों ने यहाँ लाकर बंद कर दिया महाराज। हे भगवान, इस तरह तो हम पागल हो जाएंगे। हमारे कोतवाल को उसके ही सिपाहियों ने जेल में बंद कर दिया, लोगों को जब पता चला तो वे क्या सोचेंगे। राज्य भर में कल्लू के नाम एक यह इश्तेहार लगवा दो कि वह फौरन आत्मसमर्पण कर दे, वरना अगर वह पकड़ा गया तो वह अपनी गर्दन से हाथ धो बैठेगा जी महाराज। और अगले ही दिन, महाराज क्या आपको याद है कुछ दिन पहले मैं आपसे नौकरी मांगने आया था। हमें परेशान मत करो, हमारे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। उस कल्लू लुटेरों के नाम से नाक में दम कर रखा है, हाथ ही नहीं लग रहा वह किसी के। मैं उसे लेकर आया हूँ महाराज, और वह आपके सामने खड़ा है। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, इतने दिनों से मैं ही कल्लू की भूमिका निभा रहा था तुम पर। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया तुमने ऐसा क्यों किया। अब हमें इस बात से तनिक भी संदेह नहीं कि तुम बहुत काबिल युवक हो, और इसमें भी कोई शक नहीं कि कोतवाल को एक काबिल सहायक की जरूरत है। इस तरह रमन को नौकरी मिल गई और उसने खूब मेहनत लगन से ईमानदारी से काम किया। वाह वाह, सही कहते हैं, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर कोतवाल को एक सहायक की सच में जरूरत थी। आगे है मेरी आप बीती। अच्छा, आप बीती है और ये मदद है। चलिए इस स्टोरी को मैं इस कॉमिक के लास्ट में ऐड करती हूँ। आगे है विश्व के अनजाने नन्हे देश। यहाँ पर कुछ देशों के बारे में डिटेल में बताया गया है, ये देखिए वहाँ के लोग और वहाँ के रहन सहन के बारे में। आगे हमारी कॉमिक है समय की पाबंदी। बम्बई से मास्टर कामरान शाह के भेजे सुझाव पर आधारित ये कॉमिक है। इसमें चित्र हैं राम वाइट करके। पुंदी नौकरी की तलाश में था। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, तुम्हें खाना पकाना होगा और सफाई करनी होगी, पर अगर तुमने एक भी गलती की तो मैं तुम्हें फौरन निकाल बाहर करूंगा, समझे? जी जी साहब। मैं बड़ा साफ सफाई पसंद हूँ, घर हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। जी साहब। हर चीज हमेशा चमकती रहे। जी साहब। और मैं वक्त का भी बड़ा पाबंद हूँ, नाश्ता ठीक 7 बजे मेज पर लग जाना चाहिए, समझे? यह तो बहुत अच्छी बात है, आप अगर किसी वजह से मुझे नाश्ते की मेज पर ठीक 7 बजे ना पाए तो कम से कम आप खाना शुरू कर दीजिएगा, मेरी खातिर आपकी समय की पाबंदी मत तोड़िएगा। सही है बिल्कुल। आगे है असंभव को संभव बनाने वाले। इनके शब्द हैं लुइस फर्नांडिस के, चित्र हैं रामानंद भगत के। यहाँ पर हमें बताया गया है इंग्लैंड के वॉल्टर जॉर्ज, जिन्होंने 1 मील की दूरी 4 मिनट 18.4 सेकंड में दौड़कर तय करके सबको आश्चर्य में डाल दिया था। यह तो सच में बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने काफी अच्छे अच्छे कारनामे किए हैं जो कि इस कॉमिक में बताए गए हैं। आगे हमारी स्टोरी है कॉमिक की शक की स्पुंदी। मास्टर मोहम्मद के भेजे सुझाव पर आधारित, पता SGKE, कमरा नंबर, अच्छा इसमें सब बताया गया है, वाह। चित्र है राम वैर करके। एक दिन सुबह जब स्पुंदी बाजार जा रहा था, भगवान के नाम पर अंधे को पैसे दे दे, हाँ वह भिखारी ढोंग कर रहा है, मैं दावे से कह सकता हूँ यह अंधा नहीं है। धोखेबाज आंखें होते हुए अंधा होने का नाटक करता है। नहीं भाई, मैं सचमुच अंधा हूँ, हरगिज नहीं है, मैं कहता हूँ। अच्छा तो फिर मुझे इस बात का सबूत देकर बता कि तू अंधा है, अभी देता हूँ। आपको वह पेड़ नजर आ रहा है जिसके नीचे वो दो भिखारी बैठे हैं?
बिल्कुल आ रहा है, पर मुझे वह नजर नहीं आ रहा। अब बताइए मैं अंधा हूँ कि नहीं? हाँ भाई, सचमुच अंधे हो। यह लो अठन्नी, माफ करना, मैंने तुम पर नाहक शक किया। स्पंदी भी कैसी मूर्खता वाले काम करता है। आगे है तंत्री मंत्री, कहानी है आलोक मात्र की, शब्द है आदिल रंगून वाला, चित्र है आनंद मांडे के। एक शाम, आह कितनी प्यारी महक है, इसीलिए तो इस पौधे को रात की रानी कहते हैं महाराज। पर जरा सावधान रहिए, कहते हैं इन पौधों में सांप रहते हैं। हे भगवान, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, अब तो मैं कभी इनके पास भी नहीं फटकूंगा। बेड़ा गर्क हो मेरा। अच्छा तंत्री, रात हो गई है, विदा। खैर, अगर राजा हुजा सांप के करीब नहीं जाएगा तो सांप खुद उसके पास आ जाएगा। सबसे पहले मुझे एक सपेरा ढूंढना होगा और फिर एक मालाकार। अगले दिन सुबह, लीजिए हुजूर, आपने जो हार बनाने का आदेश दिया था वह तैयार है। अरे, इसे छूने में कोई खतरा तो नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं, सपेरे ने मुझे बताया था कि इस हार में छिपा सांप नशे की दवाई से एकदम बेहोश है, 2 घंटे से पहले उसे होश नहीं आने वाला है। उसने तुम्हें कितनी देर पहले बताया था? यही कोई 1 घंटा 50 मिनट पहले। क्या इसका मतलब हुजा को ढूंढने और उनके गले में यह हार डालने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है? फिर तो मुझे जल्दी ही करूं, लाओ इसे मुझे दो। महाराज महाराज महाराज, आपने शयन कक्ष में नहीं है हुजूर? वह तो मुझे भी नजर आ रहा है मूर्ख, फिर कहाँ है? जग के पालनहार, 7 समुद्रों के स्वामी, 3 लोकों की ज्योति, दीन दुखियों के रखवाले, शत्रुओं का दिल दहला देने वाला महाराज धीराज। बकवास बंद कर, वरना मैं जबान काट कर तेरी बोलती बंद कर दूंगा। सीधे सीधे बता कि वह कहाँ है? ऊपर छत पर। बेवकूफ, पूरा 1 मिनट बर्बाद कर दिया। हाँ, चढ़कर पहुंचा। महाराज, हाँ मैं। हरे तंत्री, पहले दम तो ले लो, इसके लिए वक्त नहीं है। मेरा मतलब, तब तक ये फूल मुरझा जाएंगे जिनकी कल रात आप इतनी प्रशंसा कर रहे थे। जल्दी से यह हार पहनकर कृतार्थ कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर। और ये क्या बाज आया? अरे रे रे रे, चील सा, मेरा मतलब हार ले उड़ गई, मार गिरा उसे। और ये क्या, तंत्री के ऊपर ही गिर गया। उफ, आह, अच्छा वो बाहर जा गिरा। यह एक हत्यारा है महाराज, आप पर चाकू फेंक कर वार करने ही वाला था। उल्टा हो गया। अच्छा ये देखिए, पीछे से कोई राजा पर वार करने वाला था और तंत्री ने जैसे ही हार फेंका और वो उल्टा गिर गया। अब बोला जा रहा है, यह एक हत्यारा है महाराज, आप पर चाकू फेंकने पर कर वार करने वाला था। अगर तंत्री जी ने यह कदम ना उठाया होता तो आपको कुछ भी हो सकता था। हाँ, एक बार फिर तुमने मेरे प्रति अपनी वफादारी और निष्ठा का सबूत दिया है तंत्री, तुम्हें कुछ ना कुछ पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। मैं तुम्हें पुरस्कार में शायद कोई महल दे दे, रात की रानी के फूलों का इतना बड़ा हार दूंगा जितना आज तक किसी ने ना बनाया होगा। बेचारा, ये तंत्री ऊजा को मारने की पूरी कोशिश करता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस कॉमिक में इतना ही। मिलती हूँ किसी दूसरी कॉमिक में नई स्टोरी के साथ। लेकिन अगर आप लोगों को ये कॉमिक पसंद आई हो टिंकल की, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।